नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज फ्रेंड्स में आप लोग के साथ में कुछ ऐसे पौधों की कटिंग शेयर करने वाली हूँ जिनको हम अभी अगस्त और सितंबर के मंथ में लगा सकते हैं। इस टाइम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कुछ पौधों में जो जड़ें अक्सर नहीं लगती हैं, निकलती ही नहीं हैं आने वाले टाइम में। तो ये बारिश का जो टाइम होता है, रेनी सीजन जो होता है, इसमें इनकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा जल्दी से डेवलप हो जाती है। तो उन पौधों के आज मैं नाम बताने वाली हूँ। अगर आप लगाना चाहते हैं इस टाइम पे, तो अगस्त और सितंबर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और बारिश भी होता है, तो नमी मिट्टी में हमेशा बनी रहती है या फंगस वगैरह लगने का डर होता है, तो भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि जाके ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं अगर पहले प्लांट की बात करूँ, वो है हमारा मोगरा। मोगरे का प्लांट फ्रेंड्स, इनके जो फूल होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। शाम हो या सुबह हो, किसी भी टाइम अगर खिले हुए होते हैं तो वहाँ पे भीनी भीनी खुशबू आती है। तो अभी इस टाइम बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, जो कि हमारा अगस्त का मंथ चल रहा है, बारिश भी अच्छे से हो रही है। तो इनकी कटिंग अगर आप छोटी से छोटी कटिंग लेकर आप लगाते हैं तो लग जाती है। इनकी अलग से वीडियो मैंने डाली हुई है, आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मोगरे की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, छोटी सी स्टेम्स लेके अगर लगाएंगे तो फ्रेंड्स लग जाती है। और रेनी सीजन तो इस टाइम इनकी जड़ें हैं बहुत जल्दी से निकल आएंगी। और लगाने के लिए फ्रेंड्स आपको बिल्कुल सैंड सॉइल लेनी है। सैंड सॉइल जो होता है कटिंग के लिए बेस्ट होता है। कोई भी प्लांट अगर लगाते हैं तो सैंड में लगाइएगा, वो जल्दी से लग जाती हैं और आपको 100% रिजल्ट भी देखने को मिलता है। मोगरे की वैरायटी बहुत से आती है, आपके पास कोई भी हो उनकी कटिंग आप ले लीजिएगा। और छोटी सी मतलब 4 या 5 इंच की कटिंग कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 इंच जो होता है फ्रेंड्स वो जड़ मतलब जड़ों में मिट्टी के अंदर रहता है, जड़ बनने के काम आता है। तो इस तरीके से आपको लगाना, डिस्पोजल्स में या फिर उसी गमले में डाल देंगे तब भी लग जाएगा। जो रेनी सीजन है इस टाइम पर बहुत ही जल्दी से इनकी कटिंग लग जाती है। तो मोगरा फ्रेंड बहुत ही अच्छा खुशबूदार पौधा होता है, परमानेंट प्लांट्स में आते हैं, तो इनकी भी कटिंग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है फ्रेंड्स कनेर। कनेर की भी 2 वैरायटी आती है, एक ये आप पेटल्स वाले देख सकते हैं, एक आता है जो ट्रम्पेट पाइन के तरीके रहती है, जो ट्रम्पेट होते हैं उस तरीके के उनके फूल रहते हैं। कलर इस वाले भी बता दो पेटल्स में फ्रेंड्स, जो कि इनके कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पिंक वाइट येलो में भी देखने को मिल जाते हैं, और सिंगल पेटल में, मल्टीपल पेटल, डबल पेटल सब में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इनको भी कटिंग से लगा लीजिएगा। अभी इस टाइम अगर लगाते हैं फ्रेंड्स, आपको जल्दी से इनका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कटिंग के लिए आपको छोटी जो न्यू स्टैम्प्स होती हैं वही लीजिएगा और सैंड सॉइल में लगा दीजिएगा, तो ये लग जाता है। एक मेरे पास ये वाला है, ये ऑरेंज कलर का है, इनको भी आप लगा सकते हैं। ये वाले जो वैरायटी के होते हैं फ्रेंड्स, येलो वाइट और ऑरेंज में पाए जाते हैं। येलो वाले जो होते हैं वो फ्रेंड्स शुभ माने जाते हैं, ये भी इनको तो फिलहाल अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है, लेकिन येलो वाले शुभ माने जाते हैं। तो आप इन 2 कनेर कटिंग आप लगा सकते हैं। इसमें इस तरीके से सीड भी होते हैं, आपको सीड से अगर ग्रो करना है तो सीड को बिल्कुल प्रॉपर पकने दीजिएगा। जब ये वाइट हो जाते हैं सूखे अब बिल्कुल पत्थर जैसे हो जाते हैं, तो फोड़ के इसमें जो 2 बीज होते हैं दोनों को अलग करके तब इनको उगाया जाता है। तो सीड बनने में फ्रेंड्स टाइम लगता है, उगने में भी टाइम लगता है, तो कटिंग जो होता है बेस्ट ऑप्शन होता है इन पौधों को लगाने के लिए, तो आप कटिंग ही लगाइएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है बोगनविला है। बोगनविला फ्रेंड्स ऐसा प्लांट होता है कि आपको ये पूरे साल अच्छे से फ्लावरिंग देता रहता है। कलर में दिखा दूँ, मेरे पास पिंक, ऑरेंज, वाइट और लाइट पिंक में भी है, और कुछ ऑरेंज में भी है, जो कि मल्टीपल पेटल्स इस तरीके से हैं, सिंगल पेटल्स में है और डबल पेटल्स में इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 4-5 कलर के मेरे पास बोगनविला है। कटिंग से लगने वाले ये देखिए ऑरेंज में है, कटिंग से लग जाते हैं आसानी से। तो रेनी सीजन जो फ्रेंड्स होता है बेस्ट होता है हमारे गार्डन में, अगर इस तरीके से कटिंग तैयार करते हैं तो आप बिल्कुल भी लगा सकते हैं। कहीं से भी आप देख सकते हैं, रेलिंग के किनारे आसपास लगे हुए होते हैं, रोड साइड भी आपको इस तरीके के पौधे मिल जाते हैं, तो इनको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है बोगनविला को। और पूरे साल आपको अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग देते हैं, फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, इस तरीके के ये पौधे होते हैं। कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, कहीं मिलता है तो इनको आप ज़रूर ग्रो करिएगा। प्रोसेस वही है, आपको सैंड सॉइल में लगाना है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड चंपा। चंपा की कोई वैरायटी मेरे पास है, नाग चंपा की फिलहाल मैं बताने वाली हूँ। तो मैंने ज़्यादातर
नागचंपा की जो जो भी कटिंग मैंने लगाई है मुझे बिल्कुल 100% रिजल्ट देखने को मिला है। जितनी भी मैंने कटिंग लगाई है सारी सक्सेस हुई है, सब में रूट्स आई। कुछ तो पौधे मेरे बड़े हो गए थे, मैंने कुछ को गिफ्ट कर दिया, कुछ मैंने अभी भी लगाए हुए हैं। नागचंपा फ्रेंड ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग देते हैं। नेक्स्ट जो है बरसात में लगाने वाला है वो है जड्रोफा। जड्रोफा फ्रेंड ऐसा फ्लावर है आपको सालों साल फ्लावर देते हैं, और ये फ्रेंड्स इसमें कभी भी फ्लावर कम नहीं होते हैं। कोई भी सीजन हो पत्तियाँ नहीं रहेंगी लेकिन फ्लावर आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से छोटे छोटे पिंक कलर के होते हैं, रेड कलर के, तो इनको आप लगा दीजिएगा। ये ड्वार्फ वैरायटी में भी आते हैं और टॉल वैरायटी में भी आते हैं, तो दोनों आपके पास अगर हो तो लगा लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से सालों साल फ्लावर देने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर कटिंग की बात हो रही है, हिबिस्कस का बात ना आए तो वो अधूरा ही रह जाएगी वीडियो हमारी, तो आप यहाँ पर हिबिस्कस को भी ज़रूर लगाइएगा। कलर वैरायटी आपके पास जो भी हो उनको लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे पास पिंक है, वाइट है, और भी हाइब्रिड वाले हिबिस्कस हैं, येलो, रेड, मिनिएचर वाले सब हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आती बात तो है हमारी चांदनी। चांदनी की भी कोई वैरायटी आपके पास हो, सिंगल पेटल, डबल पेटल, हाइब्रिड, मिनिएचर वैरायटी भी आती है आजकल, तो चाइनीज़ वैरायटी भी आ गई है, तो आपको जो भी अच्छे लगे उनको आप ज़रूर लगाइएगा। कटिंग की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, ये लगती है हमारे वैसे जो ये सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है मानसून में, तो सारे पौधे अक्सर लग ही जाते हैं, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है टिकोमा। येलो टिकोमा भी आता है, ऑरेंज में भी आता है और पिंक में भी आता है, तो कोई भी कलर का हो उनको आप ज़रूर लगाएगा। मेरे पास ये ऑरेंज है, येलो है, दो कलर के ही हैं, तो येलो वाले भी खिल रहे हैं, ऑरेंज वाले में थोड़ा सा भी टाइम है, तो बरसात में दोनों की भी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स गार्लिक क्रीपर। अभी जो आप पौधे देख रहे हो फ्रेंड्स, मैंने कटिंग से ही इसको लगाया हुआ है, वो देख सकते हैं इतना बड़ा हो गया है। मैं नर्सरी से छोटी सी कटिंग लाई थी और अभी देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया, मैंने वेस्टर्स में लगाया हुआ है। तो वैसे तो ये वाइनिंग होती है जिसको हम लोग लोशनिया बेल भी बोलते हैं, गार्लिक क्रीपर बोलते हैं। ऑरेंज कलर का फ्लावर इसमें आता है, जब मैच्योर हो जाएंगे तभी इसमें हमें फ्लावर मिलेंगे, अभी तो फ़िलहाल नहीं मिलने वाले हैं। तो आप इनकी भी कटिंग लगा लीजिएगा, कटिंग से इजली लग जाते हैं, फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे हमारा ट्रम्पेट वाइन होता है वैसे भी होता है, दो जगह मैंने इसी कटिंग लगाई हुई है, तो मैं वैसे वेट कर रही हूँ कि इसमें कब फ्लावर आएंगे। जब आएंगे तो इसके वीडियो में आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा वेट रहता है। जिसकी हम मेहनत करते हैं उसका फल हमें कब मिलेगा, चाहे वो फ्लावर वाले हों, वेजिटेबल्स वाले हों या फ्रूट्स वाले हों। तो कटिंग से अगर लगती है फ्रेंड्स सबको खुशी होती है कि हाँ मैंने कटिंग लगाई थी वो सक्सेस हो गई है। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक क्रीपर लगाया हुआ, अच्छे से लग गई है, फ्लावर का वेट है, जब आएगा तो अपडेट में ज़रूर दूँगी। अगर आपको कहीं प्लांट मिलता है फ्रेंड्स छोटी से छोटी भी कटिंग लग जाएगी, ध्यान रखिएगा बिल्कुल न्यू स्टेम नहीं होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रोज़। रोज़ का वैसे जो मैं बात करूं फ्रेंड्स, देसी वाले रोज़ की कटिंग आसानी से लग जाती है, और बाकी तो ग्राफ्टेड ही होते हैं। मिनिएचर रोज़ की कटिंग आप आसानी से लगा सकती हैं, और ये मेरे पास आबरा डाबरा तो ग्राफ्टेड ही वाले हैं, इनको आप नर्सरी से ला के परचेज़ कर सकते हैं। और भी ग्राफ्ट अगर करने का मन है तो बिल्कुल ग्राफ्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो हमारा मानसून है इस टाइम पर नमी रहती है टेम्परेचर में, तो आप बिल्कुल लगा लीजिए, आपकी जो ग्राफ्टिंग है सक्सेस हो जाएगी। आने वाले टाइम में आपको नर्सरी वाले बेचते ही होंगे, देखते होंगे किस तरीके से वो प्लांट सेल करते हैं, तब इसी टाइम पर लोग ग्राफ्ट करते हैं, तो इस तरीके से आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारा प्लांट है वो है कोलियस का। कोलियस को भी हम अभी कटिंग से लगा सकते हैं, बारिश के टाइम में बहुत ही अच्छे से पौधे तैयार हो जाते हैं। हालांकि गर्मियों में थोड़ा सा पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन शुरू होता है पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। कटिंग से लगा सकते हैं, आसानी से लग जाती है कटिंग, तो आप कोलियस को भी ज़रूर लगाएं। कलर आपके पास जो भी कलर हो, ग्रीन, वैसे तो एक ही कलर, एक ही पौधे में कई कलर आपको देखने को मिल जाते हैं कोलियस में। नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स यूफोर्बिया मिली है, इसको भी हम कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और इसमें भी आपको कलर वैरायटी देखने को मिल जाते हैं, टॉल और लॉन्ग वाले दोनों, साथ साथ में आपको मिनिएचर भी दिख जाते हैं। तो मेरे पास सारी वैरायटीज है, दो तीन कलर मेरे पास हैं, तो इन दोनों मैंने मिनिएचर वाली ज़्यादा कटिंग से ग्रो करी है, बाकी जो प्लांट थे तो उनकी मैंने कटिंग नहीं लगाई है, तो इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट की फ्रेंड्स अगर बात करूँ तो वो है हमारा सदाबहार।
सदाबहार को भी हम आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं, देसी वाले हो हाइब्रिड वाले हो। देसी वाले तो वैसे बहुत ही हार्डी होते हैं, लेकिन सदाबहार जो हाइब्रिड वाले हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बारिश में बचाना, लेकिन अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। तो इन सब पौधों को आप कटिंग से जरूर ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, आज के थे हमारे कुछ वीडियो जिनको हम अभी अगस्त और सितंबर के मंथ में लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।